5000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो ये चीज़ डीवी हो जाती है 5000 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉम। जब माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जितने जीरो होते हैं उतने माइनस और काउंट होंगे। माइनस 10 से कितनी रह गई? माइनस 7। दूसरी बात कह रहे हैं 2000 लाइंस पर मिलीमीटर। वेल ऐसा एक सवाल हमने ऑलरेडी किया है 2000 लाइंस पर मिलीमीटर। क्या आंसर आया था? 5 × 10⁻⁶। ये आ गया मेरा डी यानी डायफ्रेक्शन क्रिटिक। और कह रहे हैं कि फिफ्थ ऑर्डर है, टर्न द एंगुलर डेविएशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर इमेज वुड बी, यानी कि अब ये एक फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम। तो मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहे हैं? थीटा। अब डी की वैल्यू 5 × 10⁻⁶ है, साइन थीटा एम 5 है, लैम्डा 5 × 10⁻⁷। ये देखें दिया 5 5 तो मर गए। अब बायो वाले एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। देखिए माइनस 6 है, इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ तो प्लस 6 हो जाएगा। 5 × 10⁻⁷ प्लस 6 यानी 5 × 10⁻⁹ यानी कि 0.5। अब साइन थीटा के लिए 0.5 किस एंगल पर होती है? तो भाई ये होती है 30 डिग्री। जिनको वैल्यूज नहीं पता तो देखिए ये पूरा चार्ट है साइन 0 0। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करने की तरकीब में बड़ी अच्छी बताऊंगा। साइन 15.25, साइन 30.5, साइन 45.70। अब देखिए जैसे ये लाइट और वेवलेंथ 6 × 10⁻⁷ मीटर फॉल्स ऑन ग्रेटिंग, ये आ गया हमारा 400 लाइंस पर मिलीमीटर। 400 लाइंस पर मिलीमीटर का भी आंसर मैंने निकाल चुका। और व्हाट एंगल फर्स्ट स्पेक्ट्रा? फर्स्ट स्पेक्ट्रा यानी एम के वैल्यू 1। तो यही फार्मूला लगेगा, कौन सा? डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 400 लाइंस पर मिलीमीटर की प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/4 × 10⁻⁵ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, एम का मतलब है 1। लैम्डा जनाब वैल्यू हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। अब मैं इसके रूल के तहत ये माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू, हाँ जी, ये 4 × 6 है 4 6 है 10⁻⁷ और +2 −2 4 6 = 24 × 10⁻²। 24 × 10⁻²² लगा 0.24। अब पंगा आ गया, पंगा क्या आ गया कि 0.24 था, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो मैं कहता 0 डिग्री, 0.25 होता 15 डिग्री, 0.5 आता 30 डिग्री। अब मैं देखूंगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन में एक था 13.8 डिग्री, 16 डिग्री, 29 डिग्री, 31 डिग्री। और से देखो जैसे जैसे वैल्यू साइन की बढ़ रही होती है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 15.25 होता है, साइन 30.5 होता है। अब हमारा क्या आ रहा है 0.24 जो कि 0.25 से थोड़ा सा छोटा है। तो लाजमी बात है एंगल क्या होना चाहिए? 15 से थोड़ा सा छोटा। 15 से थोड़े से छोटे का कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, 13.8 डिग्री। और से सुने, अगर मेरा रिजल्ट 0.24 की जगह कुछ ऐसा आ रहा होता 0.26, मैं कहता 0.25 से बढ़ा तो एंगल 15 से थोड़ा सा बढ़ा, लाइक 16 डिग्री। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये बच्चों, इस तरह हम बड़े एंगल्स याद कर सकते हैं बड़े आसानी से।